सहारनपुर के जाटव नगर इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे हम यहाँ बातचीत करेंगे। जो बसपा अध्यक्ष हैं मायावती, उन्होंने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव है वो दलित विरोधी और जातिवादी पार्टी है, उनकी अंदेशा जताया है कि लोग हमला भी कर सकते हैं। जी सही नहीं, सही कहा बहन जी ने। बहन जी के ऊपर काफ़ी हमला भी हुआ है, ऐसी बात नहीं। बहन जी जो बोलती हैं बहुत सोच समझ के बोलती हैं, ऐसा नहीं कि वैसे ही बक देती हैं जो कुछ बकती हैं, बहुत सोच समझ के हुआ है, जान बची थी उनकी। जो बहन जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। जो अखिलेश यादव बार बार बसपा पर निशाना साधते हैं, एक तरफ तो बात चलती है गठबंधन हो जाए, सब लोग एक हो जाए, ये एक नहीं हो पा रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव सही बात तो ये गठबंधन करना ही नहीं चाहता बहन जी से, सच्चाई, ये सच्चाई है। अच्छा, कांग्रेस तो चाह रही है कि गठबंधन कर लें, कुछ बाकी बात भी चल रही है, लेकिन अखिलेश यादव नहीं चाहता है, क्योंकि अखिलेश यादव को ये है ना डर कि अगर बहन जी आएगी गठबंधन में तो उसकी हवाई उड़ जाएगी। अच्छा, हाँ, अखिलेश की हवाई उड़ जाएगी। अच्छा, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, जितनी बहन जी की अहमियत है, बहन जी फिर सीधी प्रधानमंत्री बनेगी। अच्छा, हाँ जी हाँ, प्रधानमंत्री की दावेदार है। चलिए, आप क्या कहेंगे सर, जो आपस में इनमें ठन गई है सपा और बसपा में, और तो आज तो बहन जी भी ने भी कह दिया है कि ये तो दलित विरोधी है पार्टी। नहीं सर, देखो दलित विरोधी तो है सपा भी और भाजपा भी। बहन जी एक तरफा सबका साथ चाहती है, अब तक के चाहे जितनी बार बनी है मुख्यमंत्री, उनका इतिहास उठा कर देख लो, कहीं भी देख लो, अखबार में देख लो, जबकि दंगे भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ उनकी सरकार में। मैं हम तो जो उसका है सपा प्रमुख जो है मुलायम सिंह जी, उनका देख लो, और अखिलेश का देख लो, सब दलित विरोधी रहे हैं। अब इतिहास ये देख लो, जो आरक्षण जो संसद में पर्चे फाड़े थे वो भी इन्हीं सांसद ने फाड़े थे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये विरोधी है और हमेशा रहेंगे। क्या फ़र्क पड़ेगा फिर इन सब चीज़ों का चुनाव पे? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आज ये चाहें तो, अगर अखिलेश चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, और ख़ासकर कांग्रेस नहीं जाती, जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं वो आगे आए, उनका इतिहास देख लो, वो चाहते ही नहीं। अगर वे चाहें तब तक के जो जितनी मीटिंग है सबको बुलावे, भाई तुम्हारी सीटें इतनी हैं, हमारी इतनी है, फिर आ गया, फिर देखो भाजपा कहाँ जाएगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, जो बसपा अध्यक्ष जो कह रही हैं कि अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं और हमला भी हो सकता है उनके ऊपर, अंदेशा जताया, क्या कहेंगे आप इस पर? सही कह रही हैं मैडम, सही कह रही हैं बिल्कुल। अब भी 10 सीटें हैं हमारी, और सीटों की मांग तो ज़्यादा ही रही, गठबंधन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी गठबंधन होना। अच्छा, हम साथ देंगे, बहन जी के साथ है, साथ ही रहेंगे बहन जी के। क्या अखिलेश यादव नहीं चाहते कि बहन जी गठबंधन में आए? अखिलेश यादव चाहते हैं, तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, देख लो आप, कोई उनके फोटो मिलते हैं बीजेपी वालों के साथ, बहन जी के तो कोई फोटो नहीं मिलता आपको भी। और बहन जी को कहा जाता है कि बीजेपी की बी पार्टी है? नहीं, ये तो आप देखो कितने वो ही जाते हैं बीजेपी के प्रोग्राम में, बहन जी कहीं भी नहीं जाती, देख लो आप, कहीं भी कोई भी दिखा दो आप तो मीडिया वाले सब चेक कर लो, देख लो कहीं भी। तो ये लोग कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव का और जो बसपा के साथ जो चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये लोग भी अपनी बात यही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं दलित विरोधी हैं, और बहुजन समाज पार्टी अगर गठबंधन में आना चाहती है, लेकिन शायद अखिलेश यादव नहीं चाहते कि बहन जी जो है वो गठबंधन में शामिल हो, अगर वो गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो उनका दबदबा ऊपर रहेगा। इसके अलावा जो लोग हैं वो ये तक कह रहे हैं कि अगर बहन जी गठबंधन में आती हैं तो प्रधानमंत्री पद की दावेदार भी वही होंगी। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।